मेरे युगल को हार्ट का प्रॉब्लम अचानक से हुआ। हम नोएडा में रहते थे तो उनका थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था तो सब ठीक था। अचानक ही एक बार उनको हार्ट अटैक हुआ। रात को उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रात को 9 साढ़े 9 हम उनको 10 बजे ले गए रात को। लेकिन उसी दिन शाम को बुधवार था तो अगले दिन जैसे गुरुवार होना तो मेरे को बाबा के लिए भोग की माला लेकर आनी थी कि कल 18 जनवरी है और बाबा के लिए बड़ी अच्छी सुंदर माला भोग के लिए मैं लेके आती हूँ और कल सुबह सेंटर मेरे को जाना ही है। रिक्शा वाले को भी मैंने बोला हुआ था कि सुबह आप 5:30 पौने 6 ऐसे पहुँच जाना। तो मेरे युगल ने कहा कि माला मैं ले आता हूँ और तुम रहने दो। मैंने कहा नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो, मैं अभी फटाफट गई और फटाफट ले आती हूँ। तो मैंने बाबा के भोग की माला लेकर आई और वो रख दिया कि सुबह तो मेरे को जाना ही है, मैं तैयारी कर रही थी। तो रात को युगल की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम सुबह तक देखते हैं। फिर लौकिक बच्चा तो हॉस्पिटल में ही रहा, मैं और बहू और ग्रैंडसन हम घर पे आ गए थे। मैं रात को योगी करती रही और बिल्कुल नहीं सोई, बस योग करती रही रात को ही, रात से लेकर और सुबह हो गई। तो मैं बाबा से बस बातें कर रही थी, बाबा आप ही संभालो, आप ही देखो, जो होगा आप संभालो। तो लौकिक बहू आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाती रूम का कि मम्मा दरवाज़ा खोलो। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या हॉस्पिटल चलना है? मैंने कहा पापा को लेके आना है। कि नहीं, पापा गए। तो बाबा ने मुझको इतना स्टेबल किया हुआ था। मैंने कहा देखो पापा गए, वो आत्मा गई, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल जाने से पहले ये बाबा के भोग की माला ये सेंटर पर देनी है क्योंकि आज 18 जनवरी है, तपस्या का दिन है, तो ये माला तो वहाँ पहुँचनी चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल गई तो ये माला भी रह जाएगी और पहले माला पहुँचनी चाहिए भगवान के घर में। तो सेंटर पे मैंने बहन को फ़ोन कर दिया था। 3:15 बजे का टाइम था और सर्दियों के दिन, क्या आप गेट नहीं खोलना, गेट के ऊपर से ये माला ले लो, भोग की माला, और मैं नहीं आ पाऊँगी और मेरे युगल ने शरीर छोड़ दिया और आप किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी, कि शशि बहन के युगल ने शरीर छोड़ा क्योंकि आज तपस्या का दिन है, अव्यक्त मास है, सब तपस्या करो, सब माताएं बहनें जिनको पता चलेगा तो सबको संकल्प चलेंगे, मन बुद्धि घटेंगे, तो सब योग तपस्या करें क्योंकि आज अव्यक्त दिन है, बाबा का दिन है, तो इसलिए आप किसी को नहीं बताना। मैंने टीचर बहन को बोला और वो माला उनको फिर दे दी। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे देखा तो युगल तो जा चुकी थी वो आत्मा। फिर उनको 6 बजे जैसे सुबह घर पे ले आए थे। अमृत वेले के टाइम उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने उस आत्मा को संभाला हुआ था और मेरी स्थिति बाबा ने स्टेबल रखी हुई थी। बस बाबा और मैं और वो आत्मा सुखी रहे, जहाँ गई खुश रहे, सुखी रहे। और 11 बजे के आसपास मैंने देखा, घर में अंतिम संस्कार के लिए लेके जाना था युगल को, तो मैंने देखा कि टीचर बहनें और माताएं बहनें सब आ रही हैं। मैंने कहा अरे बाबा ये आ रहे हैं, ये रुके नहीं वहाँ, बहन ने इनको बता दिया सब, अरे योग तपस्या करते, बाबा को याद करते यहाँ आ रहे हैं। चलो ये भी ड्रामा में था, सब हुआ। और देखो जब अंतिम संस्कार के लिए रेडी कर दिया उस बॉडी को, तो जो बाबा के भोग की माला थी, बाबा को भोग की माला स्वीकार कराई, बाबा को भोग लगाया, फिर वही माला बाबा के भोग के उस आत्मा के उस अंतिम संस्कार में उस आत्मा के ऊपर, बॉडी के ऊपर डाले। और जो बाबा की एक शॉल थी उसको फोल्ड करके टीचर ने और उस आत्मा के शरीर जो छूट चुका था उसके सिराने लगाई, जैसे कि तकिया लगा देते हैं। तो ये सब जैसे बाबा प्यार से विदाई देना चाह रहा था, क्योंकि वो आत्मा भी काफ़ी सहयोगी थी, बहुत सहयोगी थी, ज्ञान में नहीं चलते थे लेकिन सहयोगी पूरी थी।
अच्छा, जब उस आत्मा को के शरीर को उठाने लगे, डेड बॉडी को, तो हमारे एक कोई जानने वाले उसमें थे जो ज्ञान में उनकी मदर चलती, वो तो नहीं चलते। तो जैसे ही उनको उठाया गया तो राम नाम सत्य नहीं बोलकर उन्होंने बोला सब बोलो ओम शांति। तो 3 बार ओम शांति बोल के फिर उन आत्मा को अंतिम विदाई दी, उस आत्मा की पुरानी देह को। देखो बाबा ने कैसे मेरे को संभाला, कैसे उस आत्मा को अंतिम विदाई दी, कैसे प्यार से उस आत्मा को, सहयोगी आत्मा थी ना बाबा की, इसलिए बाबा ने प्यार से उस आत्मा को अंतिम विदाई दी। और फिर उसके बाद अगले दिन से मैं, जैसे कि मैंने एक दिन भी नागन नहीं किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं की, मैं गीता पाठशाला में सुबह रेगुलर क्लास कराने जाया करती थी और भोग लगाती थी वहाँ पे। तो मैं रेगुलर एक दिन भी मिस नहीं किया, मैं रेगुलर वहाँ पे क्लास कराने सुबह 6 बजे घर से निकलती और वहाँ पे 6:45 क्लास शुरू होती और मैं वहाँ पे क्लास कराने रेगुलर गई। और जिस दिन क्रिया थी, 13वीं जिसको बोलते हैं, तो उस दिन भी पहले मैंने बाबा को ही कहा, बाबा आपको भोग स्वीकार कराना है, उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो आत्मा आपका बच्चा, आप संभालो, आप देखो। पहले बाबा को भोग स्वीकार कराया सुबह, उसके बाद उसी दिन दोपहर को वो क्रिया संपन्न किया। फिर तो मीठा मीठा बाबा मुझे चला रहा है, बहुत स्नेह प्यार सब दे रहा है, मैं तन मन धन सब तरह से समर्पित बुद्धि बनकर प्रवृत्ति में रहते हुए भी जैसे कि सरेंडर बनकर ही रहती हूँ, बहुत स्नेह प्यार सबका मिलता है। ऐसे अनेक अनुभव हैं, लेकिन ये छोटा सा अनुभव मैं शेयर किया। ओम शांति।